मैंने पहली दफ़ा फ्रूट चाट वाला गोलगप्पा खाया, बहुत ज़बरदस्त है ये वाले, बहुत अच्छे हैं। टेस्ट करना, टेस्ट करने के लिए हम लोग हाजिर हैं। टेस्ट आप जितना मर्जी करें, हम उसके ऊपर कोई आपसे वो चार्ज, हाँ एक दफ़ा टेस्ट करके चले जाएंगे ना तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना तो हमारे लिए वही बड़ा चीज़। पहले एक हमारे पास डिश थी, फिर फ्रूट चाट के साथ दूसरी डिश आ गई। अब मौसम चेंज हुआ है, थोड़ा सा ठंडा हुआ है, हम लोगों ने चिकन कॉर्न सूप शुरू कर दिया। हट्टी चट्टी से फिर खट्टी, ये बड़ों की मिसाल है, कम लोगों को समझ आती है। हम लोग कहते हैं जी बस पैसा ला दो तो आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा कपल मौजूद है जिनके पास एक गाड़ी है और आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर कि इन्होंने गाड़ी में, गाड़ी की जो डिग्गी है उसके अंदर इन्होंने पूरा एक होटल का सेटअप लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त एक कटोरी है जिसके अंदर इन्होंने फ्रूट चाट बनाई हुई है जिसमें केले हैं, सेब है, अनार है, और इसी तरह से साथ इन्होंने एक और कटोरी है, एक और परात है जिसके अंदर इन्होंने आलू चने रखे हुए हैं। साथ ही साथ आप इस वक्त देख सकते हैं इन्होंने गोलगप्पे भी रखे हुए हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में सूप शुरू किया है। इनको तकरीबन शुरू किए हुए इस रेस्टोरेंट को एक महीना हो चुका है, और जस्ट एक महीने के क्लील टाइम के अंदर इन्होंने सूप के अभी इजाफा कर लिया है और फ्रूट चाट का भी इजाफा कर लिया। आगाज़ इन्होंने किया था गोलगप्पों से, गोलगप्पे थे इनके पास और इनके पास थी चना चाट। उसके बाद इन्होंने एक महीने के क़लील अरसे के अंदर ही इन्होंने फ्रूट चाट का भी इजाफा किया, और फ्रूट चाट के इजाफे के बाद अब इन्होंने गोलगप्पों के साथ साथ, फ्रूट चाट के साथ साथ, अब इन्होंने सर्दी की मुनासबत से चिकन कॉर्न सूप का भी इजाफा कर लिया। इनके साथ बात करते हैं कि किस तरह से एक महीने के क़लील टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने तीन चीज़ों का इजाफा किया और इतनी तेज़ी से तरक्की करते हुए इनका आगे क्या इरादा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली हुसैन। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस काम से पहले क्या करते थे आप? हाँ, इस काम से पहले मैं अब भी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, ये नहीं है पार्ट टाइम चल? ये मेरा पार्ट टाइम है। ठीक है, बेगम पहले घर पे ही होती थी? बेगम मुकम्मल तौर पे हाउसवाइफ थी। वो आप लोग लड़ाई तो नहीं होती थी? कर दी की है सारा दिन वेली? नहीं, 25 सालों में तो कभी भी इस काम के लिए कभी लड़ाई नहीं हुई कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह दो चीज़ें इसे शादी से पहले कही थी और आज तक उन चीज़ों के ऊपर ये कारामत खड़ी है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। वो दो चीज़ें आप शेयर करना चाहते हैं? मैं हर कपल को ये कहूँगा कि करना चाहिए, एक तो बीवी को हमेशा अपना दोस्त बना के रखें तो पूरी ज़िंदगी बड़ी आराम और सुकून से गुजरेगी। दूसरी बात ये कि घर और बच्चे ये साफ़ सुथरे हों तो हर मर्द घर आएगा, कभी भी लड़ाई की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बताइएगा कि इस चीज़ का आइडिया कैसे जहन में क्लिक किया कि ये काम ही करना है? हाँ, बेसिकली ये जो गोलगप्पों का आइडिया था ये मेरे बड़े भाई बनाते थे कसूर में। अच्छा। तो मेरे बच्चों ने गोलगप्पे खाने होते थे तो वो लाहौर से नहीं खाते, लाहौर भरा पड़ा है इन चीज़ों से, लेकिन वो जाते ही उधर ही थे, मुझे ही फोर्स करते हमें कसूर लेके जाएं, उधर से ही खाने हैं। तो मैं फिर भाई को कॉल कर देता था तो वो बेसिकली ये काम छोड़ गया हुआ था, तो वो जिस दिन मैंने जाना होता था तो वो मेरे बच्चों के लिए ही बनाता था। तो बस फिर हम ऐसे कोरोना के बाद ऐसा ऐसा मेरी ऊबर क्रीम पर राइड करता था, सारी सारी रात ड्राइव करनी, दिन भी थकना, ऑफिस के तो आपको पता है किस तरह हालात होते हैं, तो बड़ी बुरी हालात हो गए थे मेरे लिए अपने आप को मैनेज करना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तीन, एक बेटा दो बेटियां। बेटा की क्या एज है? बेटा मेरा माशाल्लाह 20 ईयर का हो गया, मेरे हम उम्र हो गया है, बेटी मेरी भी तकरीबन कद जितना हो गया। मेरे हम उम्र तो नहीं मैं कह सकता, मेरे कद जितना हो गया, बल्कि आप जितना ही मेरे खड़ा हो तो लगता ही नहीं है माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि बस चल रहा है। तो और हमारी दोनों बहनें जो हैं वो कितनी हो गई हैं? वो भी 18 साल की मेरी बेटी हो गई है, और उससे छोटी जो है वो अभी 12 साल की है। तो बेटा और जो बड़ी बेटी है वो यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो छोटी जो है वो अभी 9th क्लास में है। तो बस इस तरह से फिर मुश्किल हो गया था उनकी फीसेस के लिए। अच्छा, ये बताइएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने बड़े अच्छे तरीके से की, कोरोना के बाद आपने सारे मामलों का आगाज़ किया, लेकिन ये चीज़ उससे भी ज़्यादा इंस्पायरिंग है और मोटिवेटिंग है कि आपने एक चीज़ शुरू की, फिर दूसरी ऐड की, फिर तीसरी ऐड की विद इन वन मंथ। बेसिकली इसका मैं यूँ कहूँगा कि सारा का सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। हमें जब हम लोग मार्केट में आए थे तो हमें कोई जानता ही नहीं था कि कोई ये गोलगप्पे भी कोई बेचेगा या कोई आंटी बेचेगी। आप लोगों ने हमसे बात की, आप लोगों ने हमारा पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाया, और उसके बावजूद लोगों ने फिर हमें यहाँ आके टेस्ट किया और लोगों ने हमें अप्रिशिएट। आपका शुक्रिया, इन्होंने आपको आंटी कह दिया। तो सब आंटी कहते हैं, माँ जी कहते हैं सब मार्केट में। कह रहे थे आज इन्होंने भी आपको आंटी कह दिया, देख लें इनके ऊपर मीडिया का ज्यादा असर हो गया, आप ये समझती हैं। अच्छा, ये बताइएगा मैनेज कैसे करती हैं आप ये चीज़ें बनाना? जा रहा है सूप बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और फिर उसके बल्क में बनाना?
वो जारी बात है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सारा दिन गुजर जाता है इसी कामों में। फिर अब बेटी ये है कि हेल्प आउट करती है कि घर के काम वो मैनेज कर लेती है, तो मैं फिर ये स्टॉल की चीज़ें मैनेज करती हूँ। तो सुबह कितने बजे उठ जाती हैं और ये काम शुरू कर देती हैं? मैं तो इनके ऑफिस जाने के बाद 6 बजे में 6:30 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन फिर ये है कि इनके ऑफिस जाने ये काम इनके ऑफिस जाने के बाद स्टार्ट करती हूँ। खातिनों हज़रात, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं एक कस्टमर इनके पास आया है, आप कस्टमर को भी सर्व कीजिए। इन्होंने अभी हाल ही में चिकन कॉर्न एंड सूप का भी इजाफा किया है और कसूरी इन्होंने रखा है कि कसूरी गोलगप्पे, और ये सब चीज़ें जो है इन्होंने अपने भाई का, इनका जो जो इनके भाई हैं बुनियादी तौर पर, वो कसूर में गोलगप्पे बनाते थे और उन्हीं की मुनासबत से या उन्हीं के टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस तरह से इस चीज़ का आगाज़ किया, और फिर अब ये माशाल्लाह से गोलगप्पे अपने भाई ही के काम की मुनासबत से उसी टेस्ट की वजह से जो है ये खा रहे हैं और क्या लुत्फ़ देते हैं। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि इस गोलगप्पों के अंदर आप क्या चीज़ ऐड करते हैं? गोलगप्पों से मुराद इनको बनाने के लिए, इनको बनाने के लिए इनके अंदर क्या चीज़ आप ऐड करते हैं? चना चाट या फ्रूट चाट या क्या करते हैं? देखिए, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देखिए, अब जैसे अभी ये भाई आए हैं तो इन्होंने कहा जी मुझे, क्योंकि दो का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो हम यही सब लोग कि अगर आप नहीं खाना टेस्ट करना, टेस्ट करने के लिए लो हम लोग हाजिर हैं, टेस्ट आप जितना मर्ज़ी करें, हम उसके ऊपर कोई आपसे वो चार्ज। हाँ, एक दफ़ा टेस्ट करके चले जाएंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना, तो हमारे लिए वही बड़ा चाहिए। ये बताइएगा कि आगे फ्यूचर में क्या इरादा है कि आप मज़ीद क्या करने जा रहे हैं आप? सर देखें, अब फ्रूट चाट के गोलगप्पे, एक पहले मेरे पास डिश थी, फिर फ्रूट चाट के साथ दूसरी डिश आ गई, अब मौसम चेंज हुआ है, थोड़ा सा ठंडा हुआ है, हम लोगों ने चिकन कॉर्न सूप शुरू कर दिया, और थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा तो हम इसी के साथ दूसरा सूप शुरू कर देंगे जिसे हॉट एंड सॉस कहते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे अब जनवरी तक मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो हम लोग फिर घर की बनाई होम बीट जो है ना कॉफ़ी, वो स्टार्ट कर देंगे, जो यहाँ पे कोई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे जितनी कॉफ़ीज़ हैं वो सारे मशीन वाली देते हैं, तो हम वो वाली नहीं देंगे, हम हैंड बीट कॉफ़ी यहाँ पे देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि इस चीज़ में कितनी सदाकत है कि जो खाने का कारोबार है वो डे फर्स्ट से आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देता है? नहीं, डे फर्स्ट से प्रॉफिट नहीं होता, डे फर्स्ट से ये होता है कि आपने लोगों को अपना टेस्ट दिखाना है, मेरा टेस्ट होगा तो मेरा प्रॉफिट है, मेरा टेस्ट नहीं होगा तो मेरा प्रॉफिट नहीं है। तो बड़ों की मिसाल मैं यूं कहता हूं कि मेरे वालद अल्लाह ने जन्नत से कहते होते थे कि हट्टी चट्टी तो फिर खट्टी, ये बड़ों की मिसाल है, कम लोगों को समझ आती है। हम लोग कहते हैं जी बस पैसा ला दो तो आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको अपने कारोबार को निखारने के लिए, उसको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, बिज़नेस का सुनहरी असूल तो यही है कि आप बिज़नेस के अंदर से जो कमाते हैं उसको उसके ऊपर मज़ीद लगाएं ताकि वो मज़ीद बेहतर हो। तो कोई दुकान लेने का इरादा रखते हैं आप? देखिए, अभी तक हमने इसके ऊपर जितना भी कमा रहे हैं वो हम इसमें ही डाल रहे हैं। मैंने अगर रेंट देना है तो वो मैंने देना है, इसकी जितनी चीज़ें आनी है वो मैंने परचेज़ करनी है, इससे जो कमा रहे हैं वो इसी के अंदर हम डाल रहे हैं ताकि इसको हम मज़ीद आगे बढ़ा सकें, क्योंकि अभी से हम इसमें खाना शुरू कर देंगे तो फिर हम इस पर लगा नहीं सकेंगे। तो इससे कमाने के बाद जब अल्लाह ताला हमें अच्छे टाइम पर ले जाएगा तो इंशाल्लाह ताला। क्या समझते हैं कैसा टेस्ट है इसका? मैं खुद वो कहते हैं मियाँ मिठू वाली तारीफ़ हो जाती है, टेस्ट तो वही बताएंगे जो खाएंगे। चलें, तो हम कोशिश करते हैं। माशाल्लाह से ये इनके पास एक कस्टमर आए हुए हैं जो कि जिन्होंने इनसे ऑर्डर लिया है और इन्होंने दो गोलगप्पे बनवाए हैं, चना चाट वाले मैं देख रहा था और दो इन्होंने बनाए हैं फ्रूट चाट वाले, और आंटी इनको बनाकर दे रही थी। खातिनों हज़रात, माशाल्लाह से बड़ा उम्दा और बड़ा अच्छा टेस्ट है, हम ज़रा खा कर देखते हैं। ये चना चाट वाला टेस्ट है इनके पास, ये कैसा टेस्ट है? सर अभी टेस्ट कर रहे हैं, मैंने पहली दफ़ा फ्रूट चाट वाला गोलगप्पा खाया, बहुत ज़बरदस्त है ये वाले, बहुत अच्छा है। आप एक प्लेट लगा दें इसकी, अब ऐसा करें। बहुत उम्दा टेस्ट है और माशाल्लाह से इनकी ये जो जोड़ी और ये फ्रैंकनेस है, बुनियादी तौर पर ये इनका मैं समझता हूँ मार्केटिंग स्टंट है जो इनकी इस चीज़ को लेकर चल रहा है। और अल्लाह ताला आपकी जोड़ी भी आबाद रखे, आपके बच्चों को भी सलामत रखे और आपके कारोबार में भी बरकत दे। खातिनों हज़रात, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।